श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की मैं हूं का ये ख्याल जब पैदा होता है समझो ये अंकुर है। मैं हूं का ख्याल जहां नहीं रहता है समझो बीज है, और मैं हूं का अंकुर जब विशेष फलने फूलने और वृक्ष का रूप धारण कर देता है यही हमारा जीवन है। जब हम कुछ करते सफल असफल होते लाभ हानि अनुभव करते हैं तब हम वृक्ष बन गए। जब मैं हूं ऐसा स्फुरण होता है यही वृक्ष का अंकुर है, और मैं हूं का अंकुर भी जहां नहीं रहता या मैं हूं का ख्याल जहां सो जाता है या मैं हूं का जहां ज्ञान नहीं रहता उसका नाम बीजावस्था है, सुषुप्ति है। ध्यान दे न दे ये सबके अनुभव की चीज है। यह कोई वैष्णव सन्यासी हिंदू मुसलमान पंडित बनिया वाला मामला नहीं है। यह कोई राजनैतिक मंच नहीं है कि कांग्रेस का है कि भाजपा का कि सपा का। यह एक जिंदगी का निर्णय करने का अवसर है। वृक्ष खोते रहे हैं खो रहे हैं खोएंगे। जब वृक्ष नहीं दिखाई देता अंकुर भी नहीं होता तब भी वृक्ष बीज रूप में छिपा होता है। जब तुम्हें अपने होने का आदमी होने का औरत होने का बड़े छोटे होने का ज्ञान नहीं रहता स्मरण नहीं रहता भाव नहीं रहता तब भी ये सब कुछ तुम्हारे अंदर छिपा रहता है। पुनः जग जाते हो फिर सो जाते हो यह प्रक्रिया चलती रहती है। और जग जाने सो जाने जैसा ही है, जन्म ले लेना और मर जाना। मरने में और सोने में बहुत भेद नहीं है। सो जाना मैं हूं की कल्पनाओं से रहित हो जाना, विशेष मैं विशेष रूप से जो मैं अपने को जानता हूं। विशेष क्या जानता हूं? मैं हूं इतना ही नहीं जानता। मैं आदमी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पापी हूं, सुखी दुखी हूं, हिंदू मुसलमान हूं, भाई बहन पति पत्नी हूं। इस तरह का ख्याल जहां उदय हो जाता है ये मैं का विशेष ज्ञान है। मैं हूं ये समान ज्ञान है, और मैं ब्रह्म हूं यह भी विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान दो हैं, कल्पित विशेष ज्ञान यथार्थ विशेष ज्ञान। विशेष पहचान विशेष ज्ञान माने विशेष पहचान। मैं आदमी हूं ये भी एक विशेष पहचान। ये जानवर है। मैं पुण्यात्मा हूं ये भी एक विशेष पहचान। मैं सुखी हूं मैं बुरा हूं इस तरह का औरों से भिन्न ज्ञान विशेष ज्ञान है। देखो ये घड़ी है, ये भी घड़ी है ना, तो विशेष हो गया ना।
एक दूसरे से भिन्नता का ज्ञान, विशेषता, कोई विशेषता है इसके कारण इसका नाम घड़ी है और ये इसका नाम माला है। तो औरों से भिन्न और विशेष, विशेषण से विशिष्ट होने पर भिन्नता। तो आप में और सबसे भिन्नता है, ये विशेष ज्ञान हर एक को है। मैं हूं कोई विशेषता ना हो ऐसा अनुभव नहीं है, ये विशेष ज्ञान भी सो जाता है। ये कल्पित विशेष ज्ञान, माने विशेष ज्ञान भी कल्पित है और यथार्थ विशेष ज्ञान समान ज्ञान। मैं हूं ये सबका समान ज्ञान है। आप हैं कि नहीं है ना? मैं नहीं हूं, हम सबको एक ज्ञान है मैं हूं, ये हम सब में कॉमन समान। गधा घोड़ा हिंदी के बिना भी होते हैं, गधा को क्या लगता होगा मैं नहीं हूं? अच्छा, ये मैं नहीं हूं बोलता होगा गधा, क्या सोचता होगा? आई एम असी, असी है, असी क्या, तुसी क्या, ये मैं हूं, मुझे मेरे होने का एहसास, अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के होने का एहसास हम सबको है। हमें अपने होने के अस्तित्व का विशेष ज्ञान, निद्रा में नहीं रहता, समान भी नहीं रहता, विशेष नहीं रहता। और तत्वज्ञानी को मैं हूं विशेष ज्ञान होता है, सारी दुनिया से विशेष ज्ञान होता है। किसी को आदमी होने का है, गधा होने का है, अच्छा होने का है, पापी होने का है, सुखी दुखी होने का है। ज्ञानी को ये विशेष ज्ञान होता है कि मेरे सिवा सत्य कुछ नहीं, ऐसा विशेष ज्ञान ज्ञानी को होता है। और जैसे ये ज्ञान तुमको होता ही रहता है, कल से कुछ बढ़ गए हो, कल से कुछ घट गए हो, ये विशेष ज्ञान आपका बदलता भी रहता है। पर मैं जन्म मरण रहित हूं, मैं आदमी नहीं हूं, इस ज्ञान के विपरीत ज्ञान नहीं हुआ, झूठा ज्ञान नहीं हुआ, इसको झूठा कभी नहीं समझा। सो तो गए हो, कभी प्रवचनों में मैं बताता हूं, ज्ञान के न रहने से ज्ञान समाप्त नहीं होता। शब्द कहने का ढंग मेरा है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हारा विशेष ज्ञान न रहना स्वप्नों के न रहने से, संसार के न रहने से, संसार के ज्ञान न रहने से इस ज्ञान का बाध नहीं होता। मिथ्या ज्ञान का बाध, मिथ्या ज्ञान मिथ्या लगे तो उसका बाध होता है। मैं आदमी हूं ये तुम्हें ज्ञान है, ठीक है ना? गहरी नींद में ये ज्ञान तुम्हें नहीं रहता, रहता है? बोलो, नहीं रहता। तो ज्ञान न रहने से इस ज्ञान का नाश नहीं हुआ, सुबह फिर पैदा हो गया, इस अनुभव की मृत्यु नहीं हुई। ये अनुभव जो तुमको है कि हम पैदा हुए हैं, आदमी हैं, ये ज्ञान सो गया, समाप्त। समाप्त होता तो सुबह आप आदमी ना होते। अर्थात ज्ञान के न रहने से ज्ञान का नाश नहीं होता, मिथ्या ज्ञान का अंत अज्ञान से नहीं होता, स्वप्न ज्ञान का अंत गहरी नींद से नहीं होता, जागने से होता है, गहरी नींद से नहीं। स्वप्न ज्ञान का अंत गहरी नींद से नहीं होता, जागने से होता है। ऐसे ही मैं देह हूं, इस ज्ञान का अंत निद्रा से नहीं होता,
निद्रा से होता तो बिना ज्ञान के सब मुक्त हो जाते। अर्थात मैं देह हूं इस समझ का कितने बार सोए पर नाश नहीं हुआ। शब्द वही है, अपन बोलने का ढंग जान गए हैं, उसी में तुमको खिलाते हैं। मैं देह हूं इस ज्ञान का अभाव निद्रा में हुआ या नहीं, पर इस ज्ञान का नाश नहीं हुआ, इस मिथ्या भ्रम का नाश नहीं हो पाया। मैं देह हूं इस ज्ञान का नाश ही हो जाए, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कोई और चीज नहीं है, मिथ्या ज्ञान का नाश, मिथ्या ज्ञान का अंत, या मिथ्या ज्ञान, यह ज्ञान मिथ्या है। एक घड़ा दिख रहा है और अंधेरा कर दे, कभी कभी अचानक लाइट जाती है तो दिखना बंद हो जाता, ऐसे ही घड़ा रखा है, लाइट चली गई, दिखना बंद हो गया। घड़े के न दिखने से घड़े का अंत नहीं हुआ। यह मिट्टी है, यह घड़ा है, घड़ा नहीं दिखता तो क्या हुआ, नहीं दिखता, फिर लाइट होगी फिर दिख जाएगा। ये मिट्टी है, ये घड़ा नहीं है। इस मेरे शब्द में घड़ा जो उसको कहते थे, ये घड़ा नहीं है, इसमें पूरी की पूरी एक एक कण क्या है, मिट्टी है। एक कण भी घड़ा नहीं है, 100% मिट्टी है। इतना भी, एक कण भी घड़े नाम की वस्तु नहीं है, या घड़े नाम की ही वस्तु है, वास्तविक नहीं है। घड़े नाम की, नाम मात्र घड़ा है, इससे झूठा और कुछ नहीं है। ऐसे ही तो घड़े का न दिखना और मिट्टी का दिखना, घड़े का दिखना, घड़े का न दिखना और मिट्टी का दिख जाना, मैं का दिखना, मैं का न दिखना, मैं का सही दिखना, मैं का दिखना, मैं का न दिखना, या मैं का देह की तरह दिखना, मैं का न दिखना और मैं को ब्रह्म की तरह दिखना, मैं का व्यापक दिखना, मैं की सत्यता दिख जाना और संसार की झूठाई दिख जाना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मैं चैतन्य ब्रह्म हूं, जगत स्वप्न है, ये दिखना है कठिन पर दिख सकता है। पहले भी बहुतेरों को दिखा है, हमसे पहले बहुतेरों को दिखा है, आज भी जिनको दिखता है वो हैं, और ऐसे देखने वाले कल और होंगे, इन्हीं में से हो जाएंगे। जिन्हें अभी नहीं दिखता मैं ब्रह्म हूं, ये मैं ब्रह्म हूं इतना लोगों को कहने में देखने में डर लगता है कि जैसे पहाड़ टूट गया। असल में क्यों दिमाग में है, डाला गया है भगवान दुनिया बनाता है, ऐसा करता है, अब वो तुम्हारे ख्याल में भी नहीं है कि दुनिया तुमसे बन सकती है, तुम एक आदमी हो, कैसे भगवान हो सकते हो, ये सोचने का ढंग बन गया है। और इस सोच के बाहर नहीं जाते, नींद में तो जाते हो पर इस सोच के बाहर नहीं जाते, इसी सोच में रह के सो जाते हो। हम आदमी हैं, सोचते सोचते सो जाते हो, सुबह फिर ब्रह्म हो के जगते हो। सुबह फिर वही जग जाते हो जो सोए थे, सोने के पहले आदमी थे, भूल गए, सुबह जागे। अनुभव का नाश नहीं होता, तुम्हारे इस अनुभव का नाश
मैं जन्माऊं मर जाऊंगा, इस अनुभव का नाश समय भी नहीं कर सका। समय की ताकत नहीं कि तुम्हारे ज्ञान को मिटा दे, हाँ ब्रह्म ज्ञान में ताकत है कि तुम्हारे अज्ञान या भ्रम ज्ञान का नाश कर दे। समय नहीं नष्ट कर सकता, न प्रकृति नष्ट कर पाई, बल्कि ये भ्रम ज्ञान प्रकृति ने पैदा किया और इस भ्रम ज्ञान का नाश इतने युग बीत गए, समय बीता, समय नहीं कर पाया। समय जवानी का नाश कर देता है, समय देह का नाश कर देता है, समय देह हूं इस ज्ञान को सुला देता है, पर समय मैं देह हूं इस ज्ञान को खत्म नहीं कर पाया। इस ज्ञान को जो खत्म कर दे, मैं देह हूं इस ज्ञान को जो खत्म कर दे, उसे गुरु कहते हैं। इस खत्म करने के लिए इसे गुरु की जरूरत है। कौन ज्ञान खत्म करने के लिए? मैं आदमी हूं, मैं पैदा हुआ हूं, और मैं पैदा हूं। यदि ये ज्ञान झूठा हो जाए तो मरोगे कैसे? जैसे अंडे के बाहर चिड़िया का बच्चा हो जाए, ऐसे ही मैं इस मैं की समझ से बाहर हो जाऊं। जो मैं की समझ है, मैं अभी एक अंडे की तरह हूं। मैं देह हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं। निश्चित है ये मैं की समझ बिना चेतन के नहीं हो सकती। जैसे बिना मिट्टी का पेड़ नहीं होता, बिना मिट्टी के सहारे के पौधे बोलो नहीं होते। बीज बीज भी नहीं होते, पर बीज उसे कहते हैं जहां ना तो मिट्टी का पता चले ना पेड़ का। बीज नाम उसका है जहां ना मिट्टी का पता चले ना पेड़ का, अर्थात निद्रा उसका नाम है, अज्ञानता उसका नाम है, जहां ना मैं ब्रह्म हूं का पता चले ना मैं देह हूं का पता चले। सुषुप्ति में मैं ब्रह्म हूं ये भी होश नहीं है, और मैं देह हूं ये भी होश नहीं, पर जगने पर मैं ब्रह्म हूं ये नहीं आएगा ख्याल, मैं देह हूं ख्याल आएगा। पर एक बार कोई मैं देह हूं इस ज्ञान का नाश कर दे, इस ज्ञान को झूठा कर दे, इस ज्ञान को बाध कर दे, अबाधित ज्ञान हो जाए, मैं मिट्टी हूं यह ज्ञान हो जाए। ज्ञान ऐसे ही कल्पना कर ले कि हो जाए। बीज को कभी मैं मिट्टी हूं ये ज्ञान हो जाए, अर्थात बीज कभी मिट्टी हो जाए, बीज न रहे। ज्ञान अकेला कल्पना नहीं कि मैं कल्पना कर लूं कि मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं ये कल्पना नहीं है। प्रायः लोग श्रोता और समझाने वालों का ढंग ऐसा रहता है कि लोगों को ये लगता है मैं ब्रह्म हूं ये सोच लू पागल की तरह। एक पागल छत में पड़ा था, उसने भी वेदांत सुना था। वो कहता है कि मैं अविनाशी हूं, और छत से कूद पड़ा तो पैर टूट गए, क्योंकि वो अविनाशी हूं ये सोच रहा है। अविनाशी क्या होता है उसे खाक पता नहीं, सोच वही है देह की, लेकिन सुना हुआ प्रवचन में मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। शरीराभिमानी भी ब्रह्मज्ञानी की बात सुन लेता है और बोल सकता है। यदि वो कहे मैं ब्रह्म हूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता और छत से कूद पड़े तो कुछ बिगड़ेगा, और जिसका नहीं बिगड़ता उसे पता ही नहीं। इसीलिए स्वामी राम का एक चुटकुला और स्वामी राम के एक चपरासी का, स्वामी राम के साथ एक चपरासी रहता था, वो भी स्वामी राम के संग से बड़ा विचारशील हो गया था।
तो मकान की छत पर घूम रहा था। एक महाशय नीचे थे तो वो जो छत पर चपरासी घूम रहा था वो कह रहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। देह से आवाज निकलती थी पर वो जानता था देह मैं ब्रह्म हूं नहीं बोल रहा, ब्रह्म ही बोल रहा था मैं ब्रह्म हूं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ये सारी सृष्टि मुझसे हुई है। यदि कृष्ण भगवान एक आदमी है तो सृष्टि मुझसे हुई है, ये कितना झूठ बात है। मैं कहूं बहराइच मेरे से पैदा हुई है तो इसी तरह चपरासी के मुख से आवाज निकलती थी मैं ब्रह्म हूं। तो सामने एक महाशय थे कहते हैं तुम ब्रह्म हो तो कूद पड़ो छत से। अब यदि ज्ञानी ना होता तो निश्चित कूद पड़ता। आप समझते हो कि ज्ञानी को कूद पड़ना चाहिए, ज्ञानी नहीं कूदेगा मूर्ख कूद पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम ब्रह्म हो तो कूद पड़ो। तो चपरासी कहता है महाशय देह होता तो मैं कूद पड़ता क्योंकि देह छत पर है, मैं देह होता तो कूद पड़ता, मैं ब्रह्म हूं कूदू कैसे, कहां कूदू, जगह कहां है। जैसे घड़े के भीतर से आकाश कहे मैं सर्वत्र हूं, छत में घूम रहा हो घड़ा और वहां आकाश है घड़े के भीतर, वो बोलता है कि मैं सर्वत्र हूं मैं आकाश हूं। तो कोई बोले कि तू सर्वत्र है तो कूद जा छत पर तुम्हें, और ये भी कहे मैं बिगड़ता नहीं मैं मरता नहीं मैं टूटता नहीं, बोल रहा है तो आकाश बोल रहा है लेकिन आवाज घड़े से आई, किसी ने कहा कूद पड़। तो मूर्ख घड़ा होता तो कूद पड़ता फिर टूट जाता, फिर उसको कहने होता महाशय जी कहते कि अब ब्रह्म का पता चला, अब पता चला तुम आकाश हो, तो वो कूदा ही नहीं। वो कहता है महाशय मैं आकाश हूं, पहले बताओ कहां नहीं हूं जहां कूद जाऊं। तुम घड़े को कह रहे हो कि मुझे कह रहे हो, आप हैं क्या? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब समझते हैं प्रैक्टिकल शरीर को ब्रह्म बना के दिखाएं, प्रैक्टिकल घड़े को आकाश कर दें। आकाश आकाश है, घड़ा आकाश नहीं है, तो ब्रह्म है क्या? इसलिए सत्संग में सुलझना है, सिर्फ बोलना नहीं है। और ईमानदार लोग बोलते हैं तो बोलना और होना उनका दो नहीं होता। जैसे तुम में से कोई कहे मैं पंडित हूं तो पंडित हो बोलो पंडित हो, ये झूठ नहीं हुआ, एक व्यवहारिक सत्य है। इसी तरह तुम क्या हो मैं डॉक्टर हूं तो सिर्फ बोले कि हो डॉक्टर हो। इसी तरह से कोई बोले कि मैं ब्रह्म हूं तो क्या वो झूठ बोल रहा है? कृष्ण जब कहते हैं सारी दुनिया मुझसे हुई है तो भगवान कहां होंगे जिससे दुनिया हुई है? खड़े थे, जो खड़े थे उनसे दुनिया हुई। सारी दुनिया जिससे हुई वो कहां खड़े थे? जो ब्रह्म है वो कहां बैठा है? मंच में। कौन है ब्रह्म? तो इस गहराई को समझना, ये मैं शब्द इसको क्या बोलेंगे बोलो? और इसका नाम अपरमानंद मंच पर दूसरे, ये कागज है। अब इस कागज को यदि मैं माला कहूं, कागज को माला कहूं तो आप कहोगे नहीं ये माला है ये कागज है, कागज को माला मत कहो। इसी तरह से पंडाल और तुम में फर्क है या नहीं? मैं तुमको पंडाल कह दूं तो यही कहोगे स्वामी जी को पता ही कुछ नहीं, शब्द भी नहीं आते किसको क्या कहना।
तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, मैं शब्द जड़ के लिए होता है कि जड़ के लिए यह शब्द होता है? यह शब्द जड़ के लिए, मैं शब्द चेतन के लिए। तो जब शरीर सोया पड़ा होता है तो लोगों को यह लगता है कि यह पड़ा है। सोए को कहोगे तुम, सोए को तो तुम भी नहीं कह सकते। तुम शब्द तभी बोलोगे जब चेतन हो, तो तुम शब्द चेतन के लिए और मैं शब्द जड़ के लिए। तो जग जाने पर जो चीज मिली वो जड़ है। जग जाने पर मकान, कार, कपड़ा, गद्दा, रजाई, पलंग, बर्तन, ये जगने पर मिले वो जड़ है, वो मैं नहीं है। मैं वो है जो जगा और जिसको सब मिला। तो हाथ पैर जिसको मिले वो है मैं। मैं जिसको आंख मिल गई, कान मिल गए, हाथ मिल गए, हाथ पैर मैं नहीं। मैं तब मुझे आंख, तब मुझे हाथ, तो शरीर मैं नहीं। शरीर को मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और करना हो तो करो। कई बार जानते हुए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग लोग करते रहते हैं। कई लोग जब रिश्तों में रहते हैं तो वहां के शब्द उनके अनुसार बोलने लगते हैं। कई लोग अपनी माँ को बुआ बोलते हैं। क्यों? वो ममाने में रहते हैं, सबकी वो बुआ होती हैं प्रायः। अब उनका लड़का भी वहीं रहता है तो सब कोई उन्हें बुआ बुआ कहता है, तो लड़का भी बचपन से ही बुआ कहने लगा। हम अपने पिता को फूफा कहते थे, माँ को तो बुआ नहीं कहते थे, वो तो समझाने के लिए कहा, कई कहते होंगे, पर हम अपने पिता को फूफा कहते थे। क्योंकि पिताजी मवाने में रहने लगे अपनी ससुराल में, तो ससुराल वालों के क्या थे वो? उनके फूफा थे। तो जब सब लोग फूफा कहें तो हम भी कहें। ऐसे ही एक हमारी गुरु बहन है झांसी में, गुरु बहन, तो हमारे सारे शिष्यों की बहन हो गई, हमारे शिष्यों की बुआ। मेरी बहन मेरे शिष्यों की बुआ हो गई। तो धीरे धीरे सब लोग बोलने लगे बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। तो कल परसों फोन में मैंने नागपुर से फोन किया तो उनके पति ने उठाया। मैंने कहा बुआ जी कहाँ? तब उनके पति ने बताया स्वामी जी का फोन आया है, पूछ रहे हैं बुआ जी। तो बड़ी हंसी हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो जगत मामा हैं, जगत बुआ हैं, जगत मौसी हैं। एक कहता है, दो कहते हैं, धीरे धीरे नाम पड़ जाता है। ऐसे ही आपने अपना नाम आदमी रख रखा है, सच्चाई नहीं है, नाम पड़ गया है। आप जरा सोचो आप हैं क्या। कम से कम यदि आप ब्रह्म आज न समझो तो आज एक बात तो समझ के जाओ कि जब तुम सो जाओगे, तुम, अभी मैं सही नहीं बोलता, आधा सही बोल रहा, जब तुम सो जाओगे तो देह पड़ा होगा, पर देह अपने को मैं नहीं कहता, देह ने अपने को कभी मैं नहीं कहा। नहीं तो सोया हुआ कहता मैं लेटा हूं, मैं जगता हूं तो बोलता हूं मैं लेटा हूं, लेटे को मैं कहता हूं, बैठे को मैं कहता हूं, मैं सो जाता हूं ये पड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। मैं इस देह में रहने वाला हूं, मैं देह में जगता हूं, मैं देह में सोता हूं। जैसे कार में ड्राइवर गाड़ी जग के चलाने लग जाए, सोना हो तो गाड़ी खड़ी कर ले, इतना समझदारी तो चाहिए।
चलाते चलाते ना सो जाए। इस शरीर में जग करके मैं कुछ करता हूँ, चलता हूँ, लेटता हूँ, लेटाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। मैं सो जाता हूँ, ये वहीं पड़ा रहता है, जगता हूँ फिर संभाल लेता हूँ। आप अपनी पोटरी सामान सोते में रख लेते हो, जग कर फिर संभाल लेते हो। ये शरीर तुम नहीं हो, जरूरी है। मैं नहीं हूं तब भी गैर जरूरी नहीं होता सामान। आप बहुत सामान घर में है, आप सामान नहीं हो तो क्या जरूरी भी नहीं है? फेंक दोगे सामान? मैं ये तो नहीं कहता शरीर फेंक दो। तुम कार नहीं हो तो कार को आग लगा दो, ये नहीं कह रहा। पर कार तुम नहीं हो, कार तुम्हारे लिए है, तुम्हारे काम की है। तो ये शरीर भी तुम्हें मिला है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे काम का है, इससे तुम तमाम तरह के सुख लेते हो। नहीं लेते? देखो, आप अपने घर के सामान का सुख नहीं लेते, और जोड़ते काय के लिए हो? तो ये शरीर भी तुमने क्यों पाया है? सुख के लिए, भोगने के लिए। अब सुख के लालच में शरीर पाया तो थोड़ी तकलीफ भी होती। आप लोगों ने ब्याह सुख के लिए किया था कि नहीं? सही बता दो, झूठ नहीं बोलना। तो सुख ही सुख मिला कि कभी दुख भी? दुख तो मिला ही नहीं, भगवान की कसम करके कहो। अच्छा, लड़कों से दुखी तो नहीं हुए? आपने लड़का किस लिए पैदा किया था? आराम के लिए कि तकलीफ के लिए? थोड़ी बहुत तकलीफ। तो ये शरीर तुमने सुख पाने के लिए प्राप्त किया है, ये भोगायतन है। पर जब इसे पा लिया तो इसके कुछ दोष भी हैं। बुढ़ापा है, रोग है, भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है। अच्छा, शरीर ना हो, शरीर उतार दिया जाए, फिर ठंडी लगेगी? अब देखो ये अंधेर, तुम कपड़ा ओढ़ते हो। एक ऐसा यदि व्यक्ति हो कि रजाई ओढ़ ले तो ठंडी लगे और उतार दे तो ठंडी ना लगे, एक आश्चर्य होता ना कि जो रजाई ओढ़ ले तो ठंडी लगे, उतार दे तो ना लगे। पहले हमने सुना एक मठ है जहां हम पड़े हैं कि वहां के महात्मा को कोई मिलने आ गया, राजा महाराजा कोई, तो पता चला महात्मा को तो उनको तिजारी थी, तीसरे दिन बुखार आता था तिजारी, तो उनकी वो कपड़ा हिल रहा था सारा बुखार में, तो जब मिलना था तो उन्होंने अपनी कमली उड़ा के धर दी, तो तिजारी कहते वहां हो गई। महात्मा ने तिजारी उतार के राजा से बातचीत कर ली, बादशाह से, और बाद में फिर ओढ़ ली। आप भी इस देह में बुढ़ापा तकलीफ है, गहरी नींद में इसे उतार देते हो, जग के फिर पहन लेते हो। और भी वही बात फिर आ जाओ, कपड़ा अभी पहनने से ठंड नहीं लगती अभी, पर ये शरीर तुम पहन लो तो ठंडी लगती। शरीर पहन लो तो बुखार आता है, शरीर उतार दो बुखार नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। जितनी देर शरीर पहने हो उतनी देर मारने की धमकी। कल अभी हमने कथा में कहीं कहा कि एक कौआ मांस का टुकड़ा लेके उड़ रहा था, बाज पक्षी ने देखा तो कौवे के पीछे दौड़ा। कौवा जान बचाता भागता फिरा, पर भागते भागते उसके पंजे से मांस छूट गया। जब मांस छूट गया तो बाज मांस की तरफ चला गया, कौवा बच गया। उसका कौवे से लेना देना सिर्फ मांस से था। तो मौत और मारने वाले किसकी तरफ इशारा करते हैं? और देह उतार दो फिर तुम्हारे पीछे कोई मारने आएगा ही नहीं।
असल में मौत देह के साथ है, मौत की नजर देह में है, और देह ही में सब की, स्त्री की नजर देह में, पुरुष की नजर देह में, बेटे की नजर बाप में देह में, ये मेरे देह छोड़ दो तो तुम्हारा बाप कहाँ, तुम्हारी पत्नी कहाँ, तुम्हारा बेटा कहाँ, फिर मिल भी ना पाओगे, मिलना भी देह के द्वारा है। अच्छा मैं देह छोड़ दूं फिर तुम मुझको मिल जाओगे, मैं तुमको तो मिलने आऊंगा ना, और आ जाऊं तो डरोगे तो नहीं। मरा हुआ भगवान न करे आ जाए, आहा तुम जिस सोचते थोड़ा हो, बस पैदा हो गए देह है फलाना है, सोचने लगो तुम देह नहीं हो, मान भी लो कि तुम ब्रह्म नहीं हो, चलो ठीक है मान लिया तुम ब्रह्म नहीं हो, पर देह भी नहीं हो, ये बात भी सच्ची। और जब एक समझ में आ जाएगी देह नहीं होगा तो फिर प्रश्न उठेगा फिर हो क्या, तो फिर दूसरा उत्तर होगा देह में आते हो, देह में रहते हो, देह में कर्म फल भोगते हो, और उतनी देर ये रजाई ओढ़ते हो जितनी देर सुख दुख लेना है, जितनी देर सुख भोगना है या दुख, उतनी देर को शरीर मिला है, सुख दुख नहीं भोगना शरीर छूट जाएगा, नींद में भी वैसे भी देह छूट जाएगा सुख दुख गए, इसलिए देह को भोगायतन बोलते हैं। ये हमें कर्मों के फल भोगने के लिए देह मिलता है, और जब यह जीव भोगना नहीं चाहता मोक्ष चाहता है तो जीव फिर जीव भी नहीं बनता, जीव भी बना है जैसे देह बना, देह नए नए ले लेता है, वैसे तो भगवान कृष्ण के लिए लोग गीत गाते हैं ना, नए नए रूप बनावे समरिया मेरो, तो समरिया थोड़ो बनाता है, तुम भी नए नए रूप बनाते हो, नए नए शरीर, कितने शरीर धारण कर चुके हो, किस लालच में, सुख पाने के लालच में, जैसे तमाम धंधे किए, तमाम कर्म किए, शराबें पी, शादियां की, प्यार किया, लड़ाई की, काय के लिए, सुख पाने के लिए, अभी काम बना आपका तो बन गया, काम निबेड़ गया, इसलिए आशा मत करो इससे काम पूरा नहीं होगा। हाँ इसी मनुष्य शरीर में रहकर नए शरीर पाने की योजना, इससे काम नहीं नया, और इसी शरीर में आके ये इस शरीर में नहीं आना, क्योंकि शरीर में आना है भोगों के लिए, और आएंगे तो सब कुछ मिलेगा, कर्म भी होंगे भोग भी मिलेंगे, हानि लाभ भी होंगे, सदा सुख नहीं मिलेगा, सदा सुखी रहना है तो शरीर में नहीं आना। किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरे, तो जीव हो देह में मत आओ, और जीव भी क्यों हो, मन बुद्धि के कारण, स्थूल शरीर ही नहीं सूक्ष्म शरीर भी तुमको अज्ञानता से मिला है अनादि काल से, लेकिन वो क्यों उससे चिपटे हो, ये भी भोगने के लिए, मोक्ष के लिए सूक्ष्म भी नहीं चाहिए, और मोक्ष के लिए तो सूक्ष्म को जीवित रखने वाला कारण अज्ञान अविद्या भी नहीं चाहिए, ब्रह्म विद्या चाहिए, ब्रह्म विद्या से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है, जीव भाव की निवृत्ति होते ही जीवन धन्य हो जाता है, जीवन धन्य करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता। तो जब तक तुम देह में हो, अब देखो जैसे रजाई के कारण यदि मान लो कोई तकलीफ होती हो, तुम्हें अभी वाली में तो नहीं होती, पर ये रजाई तो है, ये कपड़ा ही तो पहने हो, कपड़ा पहनते हैं आराम के लिए, पर ये शरीर भी तुमने सुखी रहने के लिए पहना होगा, पर मरना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है, बूढ़ा होना पड़ रहा है,
अच्छा शरीर पहने बिना ठंडी लगवा लो तो सुबह एक एक रुपया देंगे, सबको बांटेंगे। यदि शरीर पहने बिना ठंडी लग जाए, शरीर पहने बिना बुढ़ापा आ जाए, शरीर पहने बिना मारने वाला कोई गोली से मार दे पर शरीर ना हो, एक धमकी ही दे दे कि मैं ये कर डालूंगा, तुम शरीर और इंद्रियों के बिना हो, काल धमकी दे दे, यमराज आ जाए लेके दिखा दे हमको, तो बिना देह के कोई भय नहीं होता। सारे भय की जड़ देह है, और देह में आते हो जीव भाव के कारण, और जीव भाव क्यों है, आत्मा के अज्ञान के कारण। इसलिए आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। तो तुम कौन हो इसको खोजो, काम भी करते रहो तब तक जब तक ये देह है, इसके धर्म है। जैसे कोई जिस तरह का कपड़ा आप ऊपर डाले हो, मान लो ज्यादा रुई वाला कपड़ा हो तो आग जल्दी पकड़ेगी। कई बार हम कुंभों में होते हैं, टेंट लगे होते हैं, तो टेंट वालों को आग जल्दी पकड़ती है, मिट्टी के मकान को या पत्थर के मकान को जल्दी आग। अब देखो मकान दोनों ही, तो इसी तरह से शरीर को पहनने से कई समस्याएं हैं। अब उसके कारण आपको बचाना भी है, ख्याल भी रखना है, पर जब शरीर छूट जाएगा उसकी चिंता नहीं। अब आप शरीर रहते सोचो कि दर्द नहीं होगा, भूख प्यास नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, शरीर छोड़कर शरीर में ना आओगे तो भूख प्यास नहीं लगेगी। कई लोग ये समझते हैं ज्ञान हो गया अब टांग नहीं दुखनी चाहिए, ज्ञान हो गया भूख नहीं लगनी चाहिए। सच्चे साधु वही हैं जो रोटी हाँ नहीं खाते, बिल्कुल पानी भी नहीं पीते, ठंडी नहीं लगती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, दिन रात जगाओ चाहे कुछ करो, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती सच्चे साधु को। पर हम क्या कहते हैं, शरीर रहते होती है, इसीलिए मोक्ष की जरूरत है। न रहेगा बांस, हाँ बांस रहेगा तो बांसुरी बजेगी, ये जो बांस है ना, हाँ इसलिए देह में रहते ख्याल करो और कोशिश करो कि दोबारा देह में ना आए, और देह में आने वाले जीव ही हम ना रहें, आएंगे तब जब जीव हो, तो ना हम देह रहें ना हम जीव हैं, हम चैतन्य ब्रह्म। वो अनुभव, अब ये मैं ब्रह्म हूँ अभी बोल सकते हो, पर इस बोलने का मैं पक्षधर नहीं हूँ। मेरे गुरुदेव के यहाँ शिवम बोलवाते थे, मैं गुरुदेव के समय भी ज्यादा बोला नहीं, मैं ज्यादा शिवम नहीं बोलता था, आज भी नहीं बोलता, समझाता हूँ, समझ आ जाए कि तुम ब्रह्म हो, बोलो चाहे ना बोलो। अब पर यदि समझ जाओ तो बोलने में हर्ज भी नहीं, कोई डर है क्या, ना बोले वो जिनको दुविधा हो कि कहीं बोल ले तो फंस ना जाए, बोले कि हम धनी हैं, अब धनी है बोले या थोड़ी देर बाद रुपया के लिए रोड में डोले तो पकड़े जाओगे कि अभी तो तुम कहते थे मैं राजा हूं, अभी तो कहते थे मैं ये हूं, अभी मांगते फिर रहे हो। तो शिवम बोलने वाले या तो डरते हैं जो नहीं बोलते, शिवम ना बोलने वाले या तो डर के नहीं बोले, या चिल्लाना बेकार समझते हैं, क्या बोले हम किसी को, हैं ही हम शिवम है तो बोले क्यों। और कई लोग बोलते हैं तो इसलिए कि यदि नहीं बोलेंगे तो लोग समझेंगे या ज्ञानी है, इसलिए ज्ञानी के प्रमाण पत्र के लिए भी लोग बोलते हैं। जैसे निर्धन आदमी भी कपड़े अच्छे पहनकर ब्याह शादी में निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं, कि लोग हमें गरीब न समझें, अपने घर के रुपए में आग लगाते हैं, खूब आतशबाजी खूब बिजली, कम से कम यही लगे कि हम गरीब नहीं,
चाहे अमीर दिखने के लिए गरीब और हो जाए। हाँ, अमीर दिखने में गरीब और हो गए पर दिखाए बिना चैन नहीं। और जो बहुत अमीर है, मुझे तो लगता है जिस दिन ये भारत अमीर होगा उस दिन अमीरी दिखाने की भूख ही मिट जाएगी। ये ज्यादा जो दिखाते हो प्रदर्शन, ये भीतर की कंगाली है, भीतर के दरिद्र हो। नहीं, क्या दिखाना, किसको दिखाना? मैं नहीं हूं अमीर तो क्या हो गया, मैं हूं अमीर तो किसको दिखाना? ये दिखाने की प्रवृत्ति अज्ञानता है। जिस दिन आप, इसी तरह हम बड़े हैं, हम पुण्यात्मा हैं, ढोल बजाते फिरो, हमने इतना यज्ञ किया, इतने सम्मेलन करे, इतना पुण्य किया, ये काहे ढोल बजाते हो भाई? इस ढोल बजाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, किसको दिखाते हो? ये दिखाने की प्रवृत्ति, चाहे धनी होने की हो चाहे पुण्यात्मा होने की, ये दिखाना कंगाली है, दरिद्रता है। जिस दिन तुम सचमुच पुण्यात्मा होगे ना, किसी को बताओगे भी नहीं कि हम पुण्यात्मा हैं कि नहीं। और इसी तरह मैं ब्रह्म हूं, जब ठीक समझ जाओगे तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोगों को बताओ कि मैं ब्रह्म हूं। फिर तुम नहीं बताओगे मैं ब्रह्म हूं, लोगों को बताओगे तुम ब्रह्म हो। भाई मैं ब्रह्म हूं, मुझे शक है क्या? एक महात्मा बोले मैं ब्रह्म हूं शिवोहम, तो सामने वाला बोला मैंने तुमसे पूछा है क्या? बिना पूछे तुम मुझे काहे बताने लगे कि मैं ब्रह्म हूं? जैसे तुम अपने को, मैं वहां का वो थानेदार था, मैं वो कलेक्टर हूं, मैं भूतपूर्व MLA हूं। अरे हमने तो पूछा भी नहीं, काहे मारा जा रहा है? तू भूतपूर्व है, वर्तमान है, हमने तो पूछा भी नहीं, तुझे ललक क्यों है? तो अंदर का आदमी जो दरिद्र होता है वो ये भी बताना चाहता है मैं भगवान हूं। कृष्ण भगवान तो बताना भी नहीं चाहते, इतने दिन अर्जुन रहा कहा भी नहीं। तुम ब्रह्म हो, बस आनंद में हो, तुम शांत हो, सुखी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें पड़ोसी को बताने का क्या? हाँ, पड़ोसी दुखी हो तो उसका दुख दूर करने के लिए बता कि तू अज्ञानी नहीं है, तू दुखी नहीं है, तू आत्मा है, उसके दुख दूर करने के। हम तो अपने अहंकार के लिए मैं ब्रह्म हूं, तो तुम ब्रह्म किसको बताते हो? अर्थात तुम हीन भावना से ग्रस्त हो, तुम अज्ञानी हो, हीन भावना से ग्रस्त हो, इसलिए अपने को ब्रह्म कह के पड़ोसियों में रोब दिखा रहे हो। जैसे धनी आदमी रोब दिखाता है, बिल्डिंग वाला रोब दिखाता है, ऐसे ही अज्ञानी आदमी अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए लोगों के बीच ढोल पीटता है। भगवान कृष्ण नहीं कहते कि मैं ब्रह्म हूं, अर्जुन पूछता है, दुखी है तो बताते हैं, और अर्जुन को समझाने का ज्यादा जोर है, अपने ब्रह्म होने की चिंता नहीं है जितना अर्जुन को ब्रह्म समझाने की है। और कहते हैं तू ब्रह्म हो जाएगा, तू समझ, तेरे दुख चले जाएंगे, तेरी मौत चली जाएगी। और कहे देख, मुझे कोई कर्म नहीं बांधता, तू फल की इच्छा रखता है इसलिए बंधा है। तो गुरु जब समझाते हैं शिवोहम सोहम, तो उन्हें अपने शिवोहम सोहम सिद्ध करने का शौक नहीं है, वो शिवोहम सोहम तुम हो, तुम चैतन्य ब्रह्म हो, ये तुम्हारे दिमाग में डालना चाहते। वो तो हैं तो हैं, राजा है कोई तो है राजा, महाराजा है तो है महाराजा, स्वस्थ है तो स्वस्थ, सुंदर है तो सुंदर। अब सुंदरता का प्रदर्शन भी ये अधूरापन है। कई लोग कहते हैं ज्यादा ये पोताई जो करते हो ना, लिपाई पोताई, लिपाई पोताई माने पाउडर। कभी कभी मैं, एक लड़की हमारी शिष्या थी, तो अपने भाई की शादी में कुछ पहनी हुई, मैंने कहा ये क्या नाटक करती है, फेंक। ये ज्यादा रंगाई पोताई माल को, देखो जब अपनी भैंस बेचते हैं ना किसान, तो उस दिन उसके ऊपर काजल तेल लगा के नहला के चमड़ी चमका के बेचते, ऐसे तुम भी जब बेचते हो ना बेटियां, रंग रोगन लगा के जिससे फंस जाए, नहीं तो जैसे हो तैसे। तो खैर तुम अपना रंगते पोते रहना, मेरी तुम मत मानना, पर मेरी दृष्टि से रंगाई पोताई कितने दिन चलेगी? जैसे हो तैसे हो, ज्यादा बनने की क्या जरूरत? हमें तो कभी अच्छा नहीं लगा,
जब हम किसी लायक नहीं थे तब भी, जब कुछ लायक थे तब भी और आज भी, वैसे ही बैठे हैं, ऐसे ही चले आए, ऐसे ही चले जाएंगे हम। नहीं तो मेकअप करते, फिर मंच पर आते, जरा शीशा देखते, फिर तुम मुझे देखते, मैं तुम्हें देखता। अब कोई यहाँ शरीर का सौदा तो करना नहीं कि अच्छा लगूं तो तुम्हें पसंद आ जाऊं। ये तो चमड़ी का जहां धंधा हो तहां चमकाओ सजो, यहां तो आत्मा का व्यापार है, शरीर व्यापार नहीं है। इसलिए शरीर तुम कौन हो उसे समझो, ये मन मन भी नहीं, तन मन भी कुछ नहीं, तुम कौन हो इस सच्चाई को समझो। अभी यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।